गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अंकी मात्रा के शब्द। देखो, अ प्लस अंकी मात्रा प्लस भू प्लस र, यहाँ पे बड़ाओ की मात्रा आ गई है, क्या बन गया? अंगूर। प प्लस द प्लस अंकी मात्रा प्लस द प्लस बराबर पतंग, इसी तरह आपको बनाना है। च प्लस अंकी मात्रा प्लस प प्लस क, ये क्या बन गया? चंपक। क्या बन गया? चंपक चाचा। चलो, संतरा। स प्लस अंकी मात्रा प्लस त प्लस राम, बराबर क्या बन गया? संतरा। ब प्लस अंकी मात्रा प्लस द प्लस र, बराबर क्या बन गए? बंदर। क्या बन गया बच्चों? बंदर। अब आपको भी इसी तरह मैं वर्ड लिख रही हूँ, शब्द लिख रही हूँ, उन शब्दों को ऐसे डिवाइड करके आपको अंकी मात्रा लिखनी है। अंग, क्या लिखा मैंने? अंग। संग, वंश, पंख, चंपा, चंपक, नंदन। देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया संतरा। अब आप इसको पढ़ो, ये मैंने क्या लिखा है? संतरा। यहाँ पे अंकी मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? ये संतरा। अंगूर देखो, लघु र, क्या बन गया? लंगूर। अंकी मात्रा लगाए तो लंगूर, क्या बन गया? लंगूर। संसार, मंगल, सुंदर। चलो, इस तरह आपको ये नोटबुक में टू टाइम करना है। कितनी बार करना बेटा? टू टाइम। ओके, आज आपको अंकी मात्रा अपनी कंप्लीट हो गई है, कल अपने इसके बारे में कविता पढ़ेंगे। तो एक बार ऑफिस बोल दो, अंगूर, पतंग, चंपक, संतरा, बंदर, आम, सांग, वंश, पंख, चंपा, चंपक, नंदन, संतरा, लंगूर, संसार, मंगल, सुंदर। ओके बच्चों, बाय।